हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष मोड़म में। अगर आपका बजट 7.5 लाख रुपए तक का है और आप एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी चाह रहे हैं जिसमें आपको जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाए और आपको आफ्टर मार्केट कुछ भी ना लगवाना पड़े, तो आज हम आपके लिए लेके आए निसान मैग्नाइट का एक्सेल वेरिएंट। तो इसी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, इसके एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक, इंजन फीचर्स देन प्राइस के बारे में। तो अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए कार से रिलेटेड वीडियो मैं लगा रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके कलर ऑप्शन है, उसमें आपको ब्राउन, सिल्वर, व्हाइट, ब्लैक, रेड, ब्लू, ये कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको XE, XL, XV एग्जीक्यूटिव, XV, XV प्रीमियम और XV प्रीमियम ऑप्शनल जैसे वेरिएंट्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। एंड अभी यहाँ पे एक्सेल वेरिएंट को देख रहे हैं जो कि इसका सेकंड बेस वेरिएंट है। एंड इसमें आपको मैनुअल और CVT दोनों ही ट्रांसमिशन ऑफर किए जाते हैं। इंजन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको दो इंजन ऑफर किए गए हैं, 1 लीटर का नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन जिसमें 72 BHP की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। वहीं इसमें आपको 1 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है जिसमें आपको 98 BHP की पावर और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। 18-20 KMPL तक की आपको माइलेज देखने को मिल जाती है। एंड इसमें आपको 2 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है निसान की तरफ से। एंड एक्सेल वेरिएंट में ऐसे कुछ आपको रिमोट की ऑफर की गई, इसमें लॉक अनलॉक के बटन, पीछे आपको निसान की ब्रांडिंग यहाँ पे दी जाती है। अब बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से, और एक्सटीरियर में सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो जब आप फ्रंट से देखते हैं तो काफ़ी मस्कुलर से लुक्स यहाँ पे मिलते हैं। एंड रेड कलर अभी आप देख रहे हैं, इस कलर में काफ़ी बेहतरीन लग रही देखने में। फ्रंट से देखने में बिल्कुल भी ये सेकंड बेस वेरिएंट नहीं लगता है। एंड सामने से स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपको निसान की ब्रांडिंग, निसान का लोगो दिया गया है। यहाँ पे मिलती है आपको डोमिनेटिंग ग्रिल जो कि क्रोम ट्रीटमेंट के साथ यहाँ पे ऑफर की गई है। एंड बीच में आपको हनीकॉम डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो ये था ग्रिल का प्रोफाइल। अब बात करते हैं गाड़ी के हेडलाइट की। तो आपको एक्सेल वेरिएंट में यहाँ पे हैलोजन हेडलाइट्स ऑफर किए गए हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी आपको इसी में देखने को मिल जाती है। एंड जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे मिलते हैं आपको क्रोम ट्रीटमेंट। जब आप टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको DRS मिलते हैं। यहाँ पे फॉग लैंप्स ऑफर नहीं किए गए आपको एक्सेल वेरिएंट में, आप आफ्टर मार्केट या एसेसरीज के पार्ट में लगवा सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। एंड फ्रंट से बैठ के देखेंगे तो ऐसा कुछ पूरा प्रोफाइल नजर आता है निसान मैग्नाइट का। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो उसमें आप 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया गया है, जिससे कि खराब रास्तों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में स्किल पेट दी गई जो कि इसके लुक्स को और भी बेहतरीन बना देती है। यहाँ पे आपको टोंग का ऑप्शन दिया गया है। तो ये थे ओवरऑल इसके फ्रंट लुक्स। अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ मिलते हैं आपको डुअल वाइपर विद वॉशर। एंड पूरा बोनट पे देख सकते हैं काफ़ी क्रीजेस मिलती हैं। रूफ में आपको रूफ रेल्स, पीछे आपको पावर एंटीना मिल जाता है। फ्रंट के बाद आप चलते हैं साइड में और साइड प्रोफाइल को कवर करते हैं। तो यहाँ मिलते हैं आपको 16 इंच के स्टीलिम व्हील कवर्स के साथ में, निसान की ब्रांडिंग भी आप देख सकते हैं उसी में दी गई है। एंड जो सस्पेंशन का ट्रेवल है इतना कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। C8 के टायर आपको मिल जाते हैं, ऐसे कुछ व्हील कवर्स डुअल टोन में, यहाँ पे निसान की ब्रांडिंग। टायर सेक्शन की बात करें तो 195/60R16 का पूरा टायर सेक्शन यहाँ पे दिया गया है। एंड व्हील्स के ऊपर देखेंगे आपको पूरे में क्लैडिंग मिल जाती है, आगे से पीछे तक काफ़ी चौड़ी क्लैडिंग यहाँ पे दी गई है। डोर्स पे भी आपको क्लैडिंग मिल जाती है। गाड़ी के व्हील बेस की बात करें तो 2500 mm का आपको व्हील बेस यहाँ पे दिया गया है। फेंडर पे देखेंगे निसान मैग्नाइट की आपको बैजिंग दी गई है। अब बात करते हैं इसके ORBMs की, तो ऐसे कुछ आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ORBMs मिलते हैं। एंड ये बॉडी कलर से थोड़ा डिफरेंट है तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। एंड ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORBMs हैं, गाड़ी के अंदर बैठ के आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। एंड टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी आपको इसी में देखने को मिल जाती है। ए पिलर पूरा ब्लैकआउट यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, तो 3994 mm इसकी लेंथ है। विड्थ की बात करें तो 1758 mm है, और हाइट की बात करें तो 1572 mm आपको हाइट मिल जाती है। बी पिलर पूरा ब्लैकआउट यहाँ पे दिया गया है, रेड कलर के कॉम्बिनेशन में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऊपर आपको रूफ रेल्स, पीछे आपको पावर एंटीना मिल जाता है। साइड लुक्स भी देखेंगे काफ़ी बेहतरीन से ऑफर किए गए निसान मैग्नाइट में। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ फ्यूल कैप दिया गया है। कैपेसिटी की बात करें तो 40 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। एंड पीछे भी व्हील्स पर आपको क्लैडिंग यहाँ पे दी गई है। एंड आगे की तरह आपको पीछे भी मस्कुलर लुक्स मिलते हैं, सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। एंड ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आपको बीच में पावर एंटीना मिल जाता है, आपको रूफ रेल्स दी गई हैं। एंड यहाँ पे आपको मिलता है इंटीग्रेटेड स्पॉयलर, यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप, वॉशर एंड डिफॉगर, वाइपर, सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि इसके एक्सी वेरिएंट से ऑफर किए जाते हैं आपको।
यहाँ पे आपको निशान की ब्रांडिंग, निशान का लोगो, यहाँ पे आपको मैग्नाइट की बैजिंग। अब बात करते हैं इसके टेल लैंप्स की, तो ऐसे कुछ आपको हेलोजन टेल लैंप्स यहाँ पे ऑफर किए गए। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट और बैक लाइट की प्लेसमेंट आपको इसी में देखने को मिल जाती है। नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे मिलते हैं आपको चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए, सिल्वर फिनिश आपको मिल जाती है इसके पीछे बम्पर में, मैट ब्लैक फिनिश और बॉडी कलर बम्पर यहाँ पे पीछे मिलता है आपको। अब चलिए इसका बूट खोलते हैं, आपको बूट स्पेस दिखाते हैं। तो यहाँ पे मिलता है आपको मैग्नेटिक बटन, जिसको प्रेस करके आप अपने बूट को एक्सेस कर सकते हैं। पूरा बूट ओपनिंग एरिया देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रखा गया है। अगर स्पेस की बात करें तो इसमें आपको 336 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया स्पेस यहाँ पे मिलता है। थोड़ा सा लोडिंग लिफ्ट आपको दिया गया है। नीचे आपको 15 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है टूल किट के साथ में। 100% फोल्डेबल सीट्स यहाँ पे दी गई हैं। ऊपर आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, जिसको आप हटा भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पेस की नीड है तो। एंड इन लेवर के थ्रू आप अपनी सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं। एंड अंदर के फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू देख सकते हैं आप। अब चलिए इसके बूट को करते हैं बंद और चलते हैं रियर सीट्स पे। और रियर सीटिंग कंफर्ट, लेग रूम, हेड रूम पूरा बैठ के अच्छे से चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं। अगर डोर पैड्स की बात करें तो ऐसे कुछ आपको डुअल टोन कलर में डोर पैड्स दिए गए, ब्लैक एंड वाइट फिनिश में। सिल्वर फिनिश में आपको डोर ओपनर, यहाँ पे पावर कंट्रोल्स, यहाँ पे फैब्रिक फिनिश, यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए। नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, बॉटल हेड डोर पॉकेट्स मिल जाती हैं, लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे दिया गया है। रियर कैबिन की बात करें तो ऐसे कुछ आपको सीटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है, दो हेडर्स दिए गए जो कि एडजस्टेबल हैं। एंड पूरा लेग रूम आप देख सकते हैं। चलिए अंदर बैठते हैं, अंदर से बैठ के पूरा स्पेस चेक करते हैं। तो अंदर बैठने के बाद लेग रूम आप जब देखेंगे तो इतना कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। आगे की सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है और मेरी हाइट 5'8" है। थाई सपोर्ट भी आपको काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ सेंटर में आपको कोई एसी वेंट्स नहीं दिए गए, अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। नीचे का फ्लोर देखेंगे पूरा फ्लैट रखा गया है, जिससे कि थर्ड पैसेंजर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड ये पूरा इंटीरियर आप देख सकते हैं डुअल टोन कलर में। ऊपर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं जो कि फोल्डेबल हैं। एंड कोट हुक भी इसी में दिया गया है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन, दो हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। पीछे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, सीट बेल्ट्स रियर पैसेंजर्स के लिए। ऊपर देखेंगे आपको रीडिंग लाइट्स दी गई हैं बीच में। अब बात करते हैं इसके फ्रंट डैशबोर्ड की, तो ऐसे कुछ आपको डुअल टोन कलर में डैशबोर्ड मिलता है। सामने की तरफ आपको टू डिन का ऑडियो सिस्टम दिया गया है, स्टीयरिंग पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड अभी आप ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन को देख रहे हैं। निसान मैग्नाइट को ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग में 4-star सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, तो काफ़ी सेफेस्ट सब कॉम्पैक्ट एसयूवी बन जाती है आपके लिए। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे और सारे फीचर्स कवर करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं बॉडी कलर डोर हैंडल्स। अगर डोर पैड्स की बात करें तो पीछे की तरह आगे भी आपको डुअल टोन कलर में यहाँ पे डोर पैड्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में डोर ओपनर, पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स, यहाँ पे ORVM को फोल्ड करने के और एडजस्ट करने के सारे कंट्रोल्स दिए गए। यहाँ पे सिल्वर फिनिश, यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश दी गई है, लॉक अनलॉक का बटन। नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट्स दी गई हैं। फ्रंट कैबिन की बात करें तो ऐसे कुछ आपको पूरा सीटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है, फैब्रिक बॉस्टी आपको मिलती है। फ्रंट डैशबोर्ड की बात करें तो ऐसे कुछ आपको डुअल टोन कलर में यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड दिया गया है, फैब्रिक की सीट्स। यहाँ से आप रिक्लाइन कर सकते हैं अपनी सीट्स को। नीचे फील्ड ओपनर दिया गया है, मैनुअल ABC पेडल्स, यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर। अब चलिए अंदर बैठते हैं, अंदर से बैठ के सारे फीचर्स कवर करते हैं। तो अभी हम बैठे हैं निसान मैग्नाइट के XL वेरिएंट में, जो कि इसका सेकेंड बेस वेरिएंट है। गाड़ी को ऑन करते हैं, दिखाते हैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ऑन करने के बाद ऐसे कुछ आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे ऑफर किए गए। डिजिटल आपको RPM मीटर मिल जाता है, बीच में MID दी गई है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन और स्पीडोमीटर भी आपको उसी में देखने को मिल जाता है। फ्यूल गेज एंड टेम्परेचर गेज आपको राइट साइड दिया गया है। एंड सारी चेकलाइट दी गई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। एंड इसकी जो MID है, आप यहाँ पे दिए गए लीवर से कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रिप A, ट्रिप B, माइलेज, रेंज, किलोमीटर, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं।
अब बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की, तो ऐसे कुछ आपको डी कट स्टेयरिंग मिलता है, कोई लेदर फिनिश नहीं मिलती है। यहाँ पे मिलते हैं आपको मीडिया के सारे कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको निशान की ब्रांडिंग, यहाँ पे आपको कॉल से रिलेटेड सारे कंट्रोल दिए गए। एंड इस लीवर के थ्रू आप अपनी स्टेयरिंग को टिल्ट ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेयरिंग के बाद अब बात करते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल की। तो ऊपर एसी के वेंट्स, यहाँ पे आपको टू डिन का ऑडियो सिस्टम, 4 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, ब्लूटूथ, ऑक्स, सारी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। यहाँ पे नॉब्स दिए गए हैं, हेजलाइट का बटन, एंड यहाँ पे आपको डिफॉगर, लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है सेकंड बेस वेरिएंट में। यहाँ पे कुछ स्पेस, नीचे आपको 12V का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, बगल में आपको अच्छी खासी स्पेस दी गई है। अभी आप ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, सीवीटी का भी ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे सिल्वर फिनिश, मैनुअल हैंड ब्रेक, यहाँ पे 2 कप होल्डर दिए गए हैं, यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स में भी देखेंगे अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे दिया गया है, सेपरेट स्पेस आपको मिल जाता है। अब चलिए इसके ग्लव बॉक्स को करते हैं बंद और बात करते हैं अदर फीचर्स की। तो ये था पूरा इसका डैशबोर्ड इंटीरियर डुअल टोन कलर में। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है कवर के साथ में, एंड ड्राइवर साइड आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। यहाँ पे लाइट की कंट्रोल्स, यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट, सेंसर्स, मैनुअल डे नाइट IRVM, एंड पूरी विजिबिलिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया आप ऊंचा बैठते हैं इसमें, बम्पर टू बम्पर इसको ड्राइव कर सकते हैं, अंदर से पूरा बोनट आपको विजिबल होता है। चलिए गाड़ी को ऑफ करते हैं, बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स और प्राइसिंग की। तो इसमें आपको ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थर्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, और इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो 5,88,000 एक्स शोरूम से का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है, टॉप वेरिएंट की बात करें तो 10,56,000 एक्स शोरूम तक जाता है। एंड अभी यहाँ पे XL वेरिएंट को देख रहे हैं, अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो 6,80,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है, ऑन रोड लखनऊ की बात करें तो 7,65,000 का आपको ऑन रोड लखनऊ पड़ जाता है। वहीं अगर आप इसको टर्बो में लेते हैं तो 8,91,000 इसका ऑन रोड प्राइस है लखनऊ में। वहीं अगर आप इसको CVT में लेते हैं तो 8,91,000 एक्स शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड लखनऊ की बात करें तो 10,00,000 का आपको ऑन रोड लखनऊ पड़ जाता है। तो ये था निशान मैग्नाइट का XL वेरिएंट, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देगा, एंड स्पेशल थैंक्स टू ड्रीम निशान आलमबाग लखनऊ जिन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी निशान कार्स, विजिट दिस शोरूम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि आपके लिए कार से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो मैं आशीष मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।